गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में, ये फिनोल का आपका वीडियो है और इसमें हम लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। हमारे पास दो नेम रिएक्शन हैं, उन्हीं की केमिकल रिएक्शन बताएंगे और रिएक्शन के बाद उनकी मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म का मतलब है प्रोडक्ट आपका कैसे बन गया। बात यह आती है कि जेई वगैरह में मैकेनिज्म से ही 20 से छोटे छोटे पॉइंट जो बच्चों के माइंड में नहीं रहते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको मैकेनिज्म में क्लियर होगी। मैकेनिज्म को ध्यान रखना है और मैकेनिज्म को जरूर आपको तैयार करना है। मेन आपका जो जेई वगैरह होता है वो मैकेनिज्म पर ही डिपेंड रहता है। अधिकांश रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पूछ दी जाती है आपकी है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो ओनली केमिकल रिएक्शंस की तैयार करनी है आपको। एनसीईआरटी आपकी जो कहती है, जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो आपकी रिएक्शन। इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम दोनों लेकर के चलते हैं। आपकी पहले केमिकल रिएक्शन होगी और उसी की मैकेनिज्म होगी कि प्रोडक्ट आपका बना तो कैसे फॉर्म हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो कौन सी आज इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं? एक होगी हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, और एक होगी हमारी सार्टन बॉमन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सार्टन बॉमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके फ्राइज रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वन बाय वन लेके चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किस तरीके कैसे रिएक्शन आपकी होगी। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट आ गया। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट, इसमें ना तो कुछ आप ऐड करेंगे ना ही कुछ इसमें रिमूव होगा। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो एटम्स होंगे वो अपने ही मॉलिक्यूल में अरेंज हो जाते हैं, मतलब उनका प्लेस चेंज हो जाएगा आपका, और प्लेस चेंज होने से ही न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसे बोलते हैं अरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये हमारे जो एस्टर्स होते हैं, कौन से एस्टर? जैसे अभी आपने पीछे इसी में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फेनेल एथेनोएट फॉर्म हो गया था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में। तो जो एस्टर फॉर्म होते हैं उनमें फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाता है। जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पर शिफ्ट हो जाता है। तो जो ग्रुप है आपका COCH3 उसका ऑर्थो और पैरा पर शिफ्ट होना ही हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपका शिफ्ट होता है। तो ये लिया आपने यहाँ पर फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होगी? ये हमारे पास लिखा हुआ है फिनाइल एथेनोएट, क्या नेम होगा इसका? फिनाइल एथेनोएट। तो फिनाइल एथेनोएट में क्या, इसमें ना तो कुछ रिमूव होगा ना ही कुछ ऐड होगा। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप देखा जा रहा है आपका, पूरा ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर? CH3COO, और इसी के साथ हमारी ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो आपका जो CH3COO ग्रुप लगा हुआ है, CH3COO ग्रुप लगा हुआ है, उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। इसमें पूरा ग्रुप नहीं, यहाँ पर आपका COCH3 जो ग्रुप है ये आपका शिफ्ट हो जाता है, और जहाँ पर शिफ्ट होगा वहां से हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा। आप जानते हैं कि इसके हर कोने में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस कॉर्नर का एच आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और इस कॉर्नर का एच आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाला जो ग्रुप होता है हमारा, जो मैकेनिज्म होगी, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, मतलब ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, और ये एच का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आपका ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव के साथ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये आपका इस निगेटिव के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको शिफ्ट कर देंगे इस जगह यहाँ पर, तो ये मिलेगा हमारा एसीटो। ये ग्रुप आपका यहाँ पर आ गया और OH लग गया। तो ये OH पोजीशन हमारी कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है, इसे बोलेंगे ऑर्थो, क्योंकि नंबरिंग यहाँ पर देंगे। इसमें दो ग्रुप आ गए आपके, OH आ गया और COCH3 ग्रुप आ गया। तो COCH3 ये कीटो ग्रुप आ गया, तो कीटो ग्रुप की पीआरडी ज्यादा होती है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 हो गया आपका। तो 2 पर OH लगा हुआ, तो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, या ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, ओ मींस ऑर्थो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। यही शिफ्टिंग हम ऑर्थो पोजीशन पे ना करके पैरा पर दिखा दें। पैरा का एक एच आपका इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा तो यहां OH फॉर्म हो जाएगा,
और ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं ये ग्रुप आपका पैरा पॉलीसेक और एसिड पर जाएगा यहाँ, तो CO सिंगल बॉन्ड CH3 शिफ्ट कर दिया आपने, तो ये हमारा जो है अब यहाँ की नंबरिंग आपकी होगी ये 1 2, नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 5 6, अब ये 4 पर प्रेजेंट है इसे हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, या पैरा पर अटैच है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, यानी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल 4 होते हैं। तो यहां पर ये हो गया हमारा फ्राइज रिअरेंजमेंट। तो बहुत ही सिंपल है फ्राइज रिअरेंजमेंट क्या है कि जब हम फिनाइल एथेनोइड को एन हाइड्रस AlCl3 और सॉल्वेंट CH2 की प्रेजेंस में पास कराते हैं तो यहां पर हमारी जो CH3CO है इस ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाती है कहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ऑर्थो से H रिमूव होकर के ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। कैसे आएगा, जब ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा इस तरीके से, ऐसे आपने ब्रेक किया और ये H आपका ऐसे ब्रेक हुआ तो H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऊपर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हमारा इस नेगेटिव के साथ शिफ्ट हो जाएगा, इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं ये ग्रुप हमारा ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज जब आप यहां पर करेंगे पैरा पोजीशन पर तो पैरा पर ये ग्रुप आ जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा दोनों के मिक्सचर फॉर्म होंगे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन फॉर्म होते हैं, इसे बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये वही हमारे फ्राइज रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट हो रहा है, इसमें ना तो कुछ रिमूव हो रहा है ना ही कुछ आपका जो है ऐड हो रहा है। आपने देखा ये जो ग्रुप है हमारा CH3CO इस ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और किसकी प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। अब इसके बाद बात होती है हमारी बेंजाइलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजाइलेशन। इसी बेंजाइलेशन को हम बोलते हैं शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। तो बेंजाइलेशन हमारा क्या है, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन आपकी क्या होती है, यहाँ पर एस्टर्स फॉर्म होते हैं, ये आपके जो टॉपिक चल रहा है एस्टिफिकेशन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो एस्टर इसमें फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा बेंजाइलेशन ऐसे बोलेंगे सार्टन बामन रिएक्शन। सार्टन बामन रिएक्शन क्या होती है, ये लिया हमने फिनोल, फिनोल की रिएक्शन करा दिया बेंजोइल क्लोराइड से, ये जो आपने लिया हुआ है इसका नेम लिखेंगे बेंजोइल क्लोराइड। तो जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं रिएक्शन तो होता क्या है देखना है आपको, और किसके द्वारा NaOH एक्वस के साथ, तो जब रिएक्शन होगी तो यहां से आपका क्या होगा, ये Na NaCl आउट हो जाएगा, ये OH और ये HCl के जल बना देगा, और ये जो हमारी रिंग है ये आपकी पूरी इसके साथ यहां पर आ जाएगी, तो यहां पर अटैच कर देंगे तो ये मिला आपका फिनाइल बेंजोएट हो गया, H2 और NaCl आपका बाहर हो गया, यानी ये जो फॉर्म होगा इसे हम एस्टर बोलते हैं, क्या फॉर्म हो गया ये एस्टर, तो इसमें एस्टर फॉर्म होते हैं और यही रिएक्शन कहलाती है हमारी बेंजाइलेशन। यानी इससे पहले आपने एक पढ़ी थी फिनोल की रिएक्शन किससे कराई थी हमने, एसिटिल क्लोराइड से, तो यहां पर मिला था फिनाइल एथेनोइड, अब यहां पर हमने जो है एसिटिल क्लोराइड की प्लेस पर ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, यानी उसमें CH3 लिया था यहां ले लिया हमने बेंजीन रिंग, तो उसमें जहां हमने CH3 ऐड किया था यहां कर लिया हमने बेंजीन रिंग को, तो इसका नेम हो गया फिनाइल और इस फिनोल की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ हुई तो OH क्या होता है, NaOH बेस है, बेस आपका क्या प्रोड्यूस करता है OH आयन, OH किसको लेता है किसको ढूंढता है H+ को, तो ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ये H+ रिमूव हुआ H+ और ये OH- यानी पर पॉजिटिव चार्ज OH पर माइनस चार्ज, तो ये हमारा H+ होगा और OH- मिलके H2 बना देगा, Na आपका अलग हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिनोक्साइड आयन। अब ये जो फिनोक्साइड आयन फॉर्म हो गया है इस फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन करा देंगे हम बेंजोइल क्लोराइड से, ये जो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है अब आया यहां पर बेंजोइल क्लोराइड, अब जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड जहां पर हो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, मूव करते रहे थोड़ा सा उन्हें जो है सपोर्ट मिलता तुरंत मूव कर जाते हैं यहाँ पे, और ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है इसमें,
अब O माइनस किसको ढूंढेगा, जहां पर प्लस चार्ज, प्लस का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, O माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये कहां पर जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कमी कैसे, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सी पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये माइनस जो था इस सी के साथ, ये माइनस इस सी प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, अटैच होकर आपका क्या बना देगा, ये बना देगा। देखिए सी के साथ हमने ये फिनॉक्साइड आयन को पूरा ऐड कर दिया यहां पर, अब क्या होगा, अब रिएक्शन होगी आपकी Na+ के साथ, Na+ के साथ जब रिएक्शन होगी तो Na+ क्या लेगा, Cl- तो NaCl फॉर्म हो जाएगा, तो ये Cl आपका क्लोरीन एटम जो है, आपका क्लोरीन एटम बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहां पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और Na पर पॉजिटिव चार्ज लगा, ये मिलकर क्या फॉर्म कर देगा, NaCl। और यहां से जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिए थे और ऑक्सीजन का अधिकता थी, तो ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन उस कर देता, दे देता कि लो भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन जो हमने तुम्हारा लिया था वो तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये फॉर्म हो गया, इसे ही कहेंगे हम फिनाइल बेंजोएट, ये फॉर्म हो गया, यही आपका एक एस्टर है, क्या नाम होगा इसका, फिनाइल बेंजोएट, इसे एस्टर कहते हैं, एस्टर फॉर्म होगी। तो ये थी हमारी शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो इस तरीके से आपको इस पे जो है करना है, इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। तो शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन क्या होती है कि वेल फिनॉल इज ट्रीटेड विद बेंजोएट क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एनएओएच, देन फिनाइल बेंजोएट इज फॉर्म, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोएशन और शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन, इसी को हम शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन कहेंगे। इसकी मैकेनिज्म आपने देखी कि मैकेनिज्म कैसे होती है, सबसे पहले हमारा फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन बेस के साथ होगी, तो बेस हमारा OH- प्रोड्यूस करता है, तो OH- किसको लेके चला जाता है, H+ को, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो H पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव, तो इसके मिलकर के H2 फॉर्म हो गया और ये Na आपका प्लस का अलग हो गया। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन करा दिया हमने किससे, बेंजोइल क्लोराइड से। अब ये फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये किसके पास आ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कमी कैसे, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये माइनस इस प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको फिनॉक्साइड आयन को पूरा हमने इस कार्बन से जोड़ दिया, देखो ये जुड़ा हुआ है, जैसे देखा बिल्कुल वैसे जोड़ दिया आपने। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन करा देंगे Na+ के साथ, Na+ के साथ जब रिएक्शन होगी तो Na+ किसको लेके जाएगा, Cl को, NaCl के फॉर्म में, तो ये आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, Cl आपका एक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर तुरंत रिमूव होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के आपका ये रख हुआ, तो Cl+ और Na- मतलब Cl- और Na+ दोनों मिलकर के न्यूक्लियस हो जाएंगे, NaCl बना देंगे और NaCl आपका ये अलग हो गया। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया था Cl ने, नेगेटिव चार्ज आया था इस पर, और कार्बन ने दिया था तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बन में काम गड़बड़ हो गया, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि कहता है कि जो भैया मैंने इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लिया था वो इलेक्ट्रॉन तू अपना ले, तो अपना स्टेबल हो जा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब दे दिया तो कार्बन आपका कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इसका कैसा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो डबल बॉन्ड दिखा दिया, बाकी जैसे लिखा बिल्कुल वही लिख दिया, इसका नेम हो गया फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, यही इसकी मैकेनिज्म थी शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट करिए, ओके, और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलें, ओके, ऑल द बेस्ट।